उधर कोरोना के नए स्ट्रेन पर डॉक्टर वीके पाल का एक बड़ा बयान सामने आया है कि नए स्ट्रेन से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में म्यूटेशन का कोई सिग्नल नहीं देखा गया। म्यूटेशन से वायरस में बदलाव आते हैं तो ये एक बड़ी और अच्छी राहत वाली खबर है, क्योंकि जो बात कही गई है वो हिंदुस्तानियों को सुकून देने वाली है। यूके में वायरस के नए स्ट्रेन का वार, आधी दुनिया डर के साए में, लेकिन भारत को इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। यूके में वायरस जरूर सुपर स्प्रेडर बन रहा है, लेकिन भारत में म्यूटेशन का कोई सिग्नल नहीं देखा गया है। हम ढिलाई नहीं बरतेंगे अपने व्यवहार में और पैंडेमिक के कंट्रोल करने के जो मेजर हम लेते हैं उसमें, तो इस वायरस को हम सप्रेस करके चेन ऑफ ट्रांसमिशन को काबू करने में सफल होंगे। जाहिर है वायरस के इस नए रूप के खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी, उन्हें जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी बड़ी खबर। गाइडलाइन बनी है, इंटरनेशनली बनी है और जनरल बिलीफ है, उसमें बच्चों को ये वैक्सीन देने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। और वैसे भी वैक्सीन जो हैं वो ज्यादातर 18 साल की उम्र के बाद के ही उनकी टेस्टिंग हुई है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।